देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 2025 टू मार्क्स का है, कैसे करेंगे देखो क्वेश्चन को ध्यान से देखो क्या दिया है, 5 tan theta इज इक्वल टू 3, मतलब यहां से मैं ये लिख सकता हूं tan theta इक्वल टू 3/5, और हम जानते हैं tan theta क्या होता है, tan theta क्या होता है P/B, कोई दिक्कत नहीं आता, P/B होता है। तो यहां से हम ट्रायंगल बना लेंगे, देखो यहां देखो ABC और ये है 90 degree एंगल, और अगर हम यहां पे इसको थीटा ले लेते हैं तो थीटा से लगता हुआ बेस, बेस कितना है मेरा 5 और ये कितना है मेरा परपेंडिकुलर कितना है 3, तो मुझे हाइपोटेन्यूस निकालना है। हम जानते हैं h² = p² + b² h तो हमें निकालना ही है, तो ये कितना हो जाएगा 3² + 5² तो कितना आ जाएगा ये 9 + तो कितना आ जाएगा ये 34, मतलब h² कितना आ गया 34, तो h कितना आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर 34, मतलब h कितना आ गया हमारा 34, प्लस ले लेंगे माइनस नहीं, ठीक है। अब h आ गया, अब हमें बताया साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है P/H, और कोस थीटा क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा B/H। तो यहाँ पे देखो P कितना है, P तो हमारे पास 3 है, और H कितना आया हमारा 34, H आया अंडर रूट 34, और यहाँ पे ये B कितना है हमारा 5/√34। अब बस कुछ नहीं करना है, इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, तो 5 और साइन थीटा की जगह देखो कितना रखना है 3/34 माइनस 3 × कोस थीटा की जगह क्या रखना है हमें, ये रहा देखो 5/ यहाँ देखो 5/√34 अपॉन में पूरे क्या आएगा देखो ध्यान से 4 साइन की जगह क्या रखना है, और साइन की जगह रखना है इंटू 3/√ के अंदर 34, और यहां देखो -3 × 5/√34। अब देखो डिनोमिनेटर सब जगह सेम है, तो मतलब न्यूमरेटर को सीधे सीधे मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिख दो मैं, तो 15 − 15/√34 अपॉन में क्या आएगा देखो 12 − 15/√34, देखो √34 से √34 कट गया, 15 − 15, तो इसका आंसर तो डायरेक्ट आ गया 0 आंसर आ रहा है। आई बात समझ में, सिंपल सा क्वेश्चन था, एज सच कोई मुश्किल नहीं है, नोट डाउन करो, कोई चीज ना समझ में आई तो फिर से पूछो मेरे से, अच्छे से देख लो क्या क्या कह रहा है वो, सिंपल है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कैसे करेंगे इसको, एक तरीके से और कर सकते हैं, देखो कैसे कर सकते हैं, यहां देखो इतना, ये तो सेकेंड फर्स्ट अप्रोच है, सेकेंड अप्रोच देखो कैसे कर सकते हैं, इतना करने की जरूरत नहीं है उसमें, है ना। देखो ध्यान से, इस पूरे में से अगर मैं कोस कॉमन ले लूं, तो यहां से तो पहले टेन थीटा कितना आ गया, टेन थीटा कितना आ गया 3/5, इस पूरे में से अगर मैं कोस थीटा को बाहर निकाल लूं, ऊपर से कोस थीटा बाहर निकाल लिया, तो क्या है 5, और देखो साइन थीटा, अब कहोगे सर इसके साथ तो कोस है ही नहीं, तो इस जिसमें अगर नहीं है जो हम कॉमन ले रहे हैं तो वो अपोन में आ जाती है, ये क्या आ जाएगा कोस थीटा -3। सिमिलर वे में यहां देखो नीचे से भी अगर मैं कोस थीटा कॉमन ले लू तो क्या बचेगा मेरे पास 4 sin θ / cos θ + 3, यहां तक कोई दिक्कत, अब देखो ध्यान से हो गया, बस ये एक लाइन में, ये शॉर्टकट तरीका है एक लाइन में, वैसे क्या मैं कर सकते हो मार्क्स मिल जाएंगे। इस पूरे को वापस से इस पूरे को मैं 10 लिख सकता हूं, देखो ध्यान से 10θ हो गया, तो यहां पे अब मेरा क्वेश्चन क्या हो गया, क्वेश्चन क्या हो गया मेरा 5 tan θ - 3, और सिमिलर वे में इधर से क्या जाएगा 4 tan θ + 3। अब देखो कुछ नहीं, 5 × 10θ की वैल्यू तो पता ही है मेरे पास कितनी है 3/5 − 3, और यहां पे कितना आएगा 4 × 3/5 + 3। अब देखो इस 5 से ये 5 कट गया 3 − 3, तो डायरेक्ट आंसर आ गया 0, करने की जरूरत नहीं, ये दूसरा तरीका है। आई बात समझ में, नोट डाउन करो, एग्जाम का क्वेश्चन है,
दो मार्क्स का रखा है आ सकता है, और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में, टेस्ट में, पीरियोडिक में, हाफ ईयरली में जरूर आते हैं, और बोर्ड में भी आते जाते हैं। नोट डाउन करो, तब तक अगला करते हैं।